डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपसे एक रिक्वेस्ट कर, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को इनेबल कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो आपके पास अलर्ट आ जाए और आप उसको देख पाए और आप उसको समझ पाए, पढ़ पाए। ओके, तो आज हम कौन सा ड्रग डिस्कस करेंगे? क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन कौन सा ड्रग है? कौन सी कैटेगरी का है? बेसिकली ये फिनोथायाजीन कैटेगरी का है। अगेन इट इज फिनोथायाजीन इज द केमिकल कैटेगरी। ओके, और केमिकल क्लास फाइन। फिनोथायाजीन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? एंटी साइकोटिक एजेंट्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है, मींस एंटी साइकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लास। फार्माकोलॉजिकल क्लास, ठीक है। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन या एंटी साइकोटिक कैटेगरी में किस तरह से फिट हो रहा है, उसके उसको समझने के लिए हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए ये हमारा सब क्लोरप्रोमाजीन ड्रग है। इसका एक्शन कैसे होता है? बेसिकली ये डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर की तरह काम करता है। डोपामिन रिसेप्टर होता है, उनको ये ब्लॉक करता है। ओके, डोपामिन रिसेप्टर भी कौन कौन सी एरिया वाले, ध्यान देना। एक तो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर ऑफ कॉर्टिकल एंड लिम्बिक एरिया। ओके, उससे क्या होगा, जैसे ये रिसेप्टर ब्लॉक होंगे उस कंडीशन में क्या होगा, डोपामीन का लेवल डाउन जाएगा। डोपामीन का लेवल डाउन जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक सिम्टम्स का मतलब हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, मेनली हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। क्या होता है, ध्यान देना, हेलुसिनेशन का मतलब होता है कोई जो पेशेंट है वो ड्रीमिंग कंडीशन में रहे, ड्रीमिंग कंडीशन में रहे। कोई जैसे मैं ये खा रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं, जैसे क्या होता है अफीम या गांजा इस तरह का जो करते हैं तो उनमें जो इफेक्ट आता है, जो जिस तरह का सोचना होता है, जैसे गाना है जय जय शिव शंकर वाला गाना, उस हिसाब से वो हेलुसिनेशन में रहता है। ये तो हो गया एक हेलुसिनेशन का, ठीक है। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन क्या होता है ये होता है जो रियलिटी होती है पेशेंट उसको मानने से इनकार करता है। जैसे कि सूरज साहब पूरब में नहीं पश्चिम से उगता है, जैसे अभी दिन नहीं रात है, मतलब जो रियलिटी है उस रियलिटी से वो आर्ग्यू करता है, वो होता है डिल्यूजन, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स में कमी आने लग जाती है जब हम क्लोरप्रोमाजीन देते हैं। कब? जब डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं, कौन से वाले, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर ऑफ कॉर्टिकल लिम्बिक एरिया। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दूसरा डोपामिन का एरिया कौन सा है? ये वाला डोपामींस डोपामिन रिसेप्टर इन सीटीजेड ऑफ ब्रेन। सीटीजेड क्या होता है? सीटीजेड होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। सी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन का मतलब सी टी एंड जेड। ओके, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन मतलब, ध्यान देना, यदि हम इस एरिया को, ब्रेन के इस एरिया को मैं यदि स्टिमुलेट कर देता हूं तो क्या होगा, स्टिमुलेट करते ही क्या, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करता है, डोपामिन की रिसेप्टर्स को, उस एरिया वाले रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो क्या होगा, वॉमिटिंग का अपोजिट वाला क्या काम होगा, दैट इज द एंटी एमेटिक एक्टिविटी होगा, क्लियर। तो पहला हमारा जो है वो ये है एक्शन डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, ये हमने पढ़ लिया। डोपामिन रिसेप्टर भी दो हो गए, एक तो सीटीजेड और दूसरा कॉर्टिकल लिम्बिक एरिया, जिससे एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी आ रही है और एंटी एमेटिक एक्टिविटी है। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजीन दो और भी एक्शन देता है, जो एक स्ट्रॉन्ग एड्रेनर्जिक एक्शन भी देता है, स्ट्रॉन्ग एड्रेनर्जिक एक्शन भी देता है। दूसरा गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एक्शन भी देता है, ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एक्शन भी देता है। ये दोनों भी दोनों स्ट्रॉन्ग एक्शन होते हैं,
किसके? क्लोरप्रोमाजीन की। थर्ड है वीक एक्शन कौन सा होता है? इट आल्सो पजेस मींस एंटी कोलिनर्जिक एक्शन भी देता है स्लाइटली, दैट इज पेरिफेरली मेनली, ठीक है, थोड़ा सा, या वीक एंटी स्टामिनिक एक्टिविटी भी देता है और एंटी सिरोनिन एक्टिविटी भी देता है। इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। मेन डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है और उसके अलावा दूसरा एड्रेनर्जिक गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट ये इसके एक्शन है। क्लियर? नाउ कम टू द यूजेस, यूजेस ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। जैसा कि अभी हमने देखा था मेनली इसका एंटीसाइकोटिक एक्शन होता है और एंटी एमेटिक होता है। एंटीसाइकोटिक का ध्यान देना, एंटीसाइकोटिक का सबसे पहला यूज है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? दैट इंक्लूड्स बोथ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। जैसे अभी मैंने बताया था हेलुसिनेशन और डिल्यूजन दोनों के कंबाइंड कंडीशन को हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। ये क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है जिसको हम क्लोरप्रोमाजीन को यूज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है एक्यूट साइकोसिस में भी अचानक कंडीशन, साइकोसिस की कंडीशन आती है तब भी हम इसको क्लोरप्रोमाजीन को यूज करते हैं। और थर्ड है मैनिक डिप्रेशन। मैनिक डिप्रेशन बेसिकली आल्सो नोन एज डाइपोलर मेनिया। डाइपोलर मेनिया क्या होता है? मूड, पेशेंट का मूड है ना स्विंग होता है, या तो हाईली डिप्रेशन कंडीशन में चला गया या एक्साइटेड कंडीशन में चला गया, तो इस तरह से मूड का स्विंग होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए क्लोरप्रोमाजीन को दिया जाता है। मूड स्विंग का मतलब समझ में आया? डिप्रेसिव लो एज वेल एज मैनिक हाइज, दोनों की कंडीशन होती है, इसलिए बाइपोलर मेनिया भी बोला जाता है। ये तीनों की तीनों यूजेज कौन सी कैटेगरी के हो गए? साइकोसिस से रिलेटेड होंगे। ये अलग अलग कंडीशंस है जिसको हम ट्रीट करते हैं क्लोरप्रोमाजीन से। दूसरा था जैसे मैंने बताया था सीटीजेट को ब्लॉक करता है, तो ये क्या करेगा? एंटी एमेटिक एक्शन देगा। एंटी एमेटिक एक्शन देगा तो क्या होगा? नॉजिया और वॉमिटिंग को ये ट्रीट करने के काम में दिया जाता है। जनरली स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, जो फार्माकोलॉजी में क्या लिखते हैं, जनरल स्टूडेंट की आदत होती है क्या, तो साइड इफेक्ट में नोजिया वॉमिटिंग। क्लोरप्रोमाजीन नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ना कि इसके साइड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये नोजिया वोमिटिंग नहीं करता, ये नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो कभी भी इसके साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग ना लिखें, ठीक है, यानी नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी। स्ट्रक्चर फिनोथायाजिन डेरिवेटिव है, जैसा कि हमने इसकी केमिकल क्लास में लिखा था। कौन सी वाली कैटेगरी? केमिकल क्लास, ओके। Now, यदि हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो देखना, यदि देखिएगा मैं इसका डाइसेक्शन करता हूं कैसे, या किससे बनी हुई है, इसको समझने के लिए ये बनी हुई किसकी है ये देखना जरूरी है। एक तो बेंजीन रिंग है, इस तरह से तीन रिंग सिस्टम से बनी हुई है। तीनों रिंग सिस्टम इसको मैं क्या बोलूंगा? बेंजीन। इसको मैं क्या बोलूंगा? बेंजीन, ओके। नाउ इसका नाम क्या लिखेंगे? ध्यान देना, सिक्स मेंबर्ड रिंग है। सिक्स मेंबर्ड रिंग में दो हेटेरो एटम है। दो हेटेरो एटम कौन सा? सल्फर एंड नाइट्रोजन, ओके। सल्फर एंड नाइट्रोजन, यहां पे नंबरिंग हम किससे शुरुआत करेंगे? सल्फर और नाइट्रोजन में नंबरिंग शुरुआत करने के लिए क्या होगा, जिसका यहां पे दोनों हेटेरो एटम डिफरेंट है, तो नंबरिंग उस एटम से शुरू करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो क्या होगा? नंबरिंग 1, 2, 3, 4, मतलब सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। किसकी बात कर रहे हैं? इस स्ट्रक्चर की। तो ये क्या है? थायाजीन। ध्यान देना कैसे लिखते हैं, थायाजीन। कैसे? थाया फोर सल्फर, एजा फोर नाइट्रोजन, इन फोर सिक्स मेंबर, ओके। नाउ वन मोर थिंग,
कौन सा थायाजीन है ये? वन और फोर पोजीशन वाला, वन फोर थायाजीन, क्लियर। हाइड्रोजन एटम एक किस पे है, इसको बोलते हैं फोर एच, फोर एच वन फोर थायाजीन है ये, क्लियर। नाउ यदि हम इसको मिक्स करते हैं, ध्यान देना, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज द नंबरिंग ऑफ एटम्स। यदि मैं नंबरिंग करता हूं, नंबरिंग एक और दो एटम के बीच वाले बॉन्ड को मैं ए बॉन्ड बोलता हूं, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ। ओके, ध्यान ध्यान देना, यहां पे यदि मैं वापस इसको जोड़ता हूं, वापस इसको जोड़ता हूं, तो ये वाला इसके साथ अटैच होगा, ये वाला इसके साथ अटैच होगा। देखना, यदि हम वापस इसको अटैच करते हैं तो हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। बेंजीन जोड़ा मैंने शुरुआत में, बेंजीन को मैंने एसच लिखा, थायाजीन को, दैट इज थायाजीन कौन सा है, वन फोर थायाजीन, वन फोर थायाजीन, ये हमारा जुड़ गया बेंजीन और ये एच। ध्यान देना, यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे, देखना, बेंजीन कौन से बॉन्ड पे जुड़ा, बी बॉन्ड पे, इधर बेंजीन कौन से बॉन्ड पे जुड़ा, ई बॉन्ड पे, तो क्या लिखेंगे, दो बेंजीन है तो मैं अपन क्या लिखेंगे, डाइबेंजोन, क्या लिखेंगे, डाइबेंजोन, डाइबेंजो कहां पे जुड़ा हुआ है, बी बॉन्ड पे और ई बॉन्ड पे, कहां जुड़ा हुआ है, बी बॉन्ड पे और ई बॉन्ड पे। ओके, और इसका नाम क्या लिखा था हमने, टू एच वन फोर थायाजीन जी। अब ये तो इसका अटैचमेंट हो गया, अब इस अटैचमेंट में ध्यान देना, अब ये पोजीशन, अब हम इन सिस्टम का नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, ये इस तरह का नंबरिंग सिस्टम है। ध्यान देना, डाइबेंजो थायजीन और कौन सा एच कहाँ आएगा, यहां पे 10th पोजीशन पे, तो इसका नाम कौन सा हो गया, 10H वाला, 10H वाला। और थायाजीन की पोजीशन क्या है, थायाजीन थाया और जीन की पोजीशन इसमें कौन सी आ गई, 5 10, 5 10, ये इसका नाम हो गया इस रिंग सिस्टम का। इसको हम कंबाइंडली बोला जाता है फिनो थायाजीन। ओके, फिनो थायाजीन, ध्यान देना, फिनो थायाजीन में भी सब कुछ छुपा हुआ है। फिनो का मतलब फिनाइल रिंग सिस्टम है, या मैं इसको बेंजीन भी बोल सकता हूं। ओके, थाया का मतलब सल्फर था, मैंने बताया था, एजा का मतलब नाइट्रोजन था, इन का मतलब यहाँ पे सिक्स मेंबर था, तो ध्यान ध्यान ना, बेंजीन या फिनाइल थायाजीन पे जुड़ा हुआ है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसका अल्टीमेटली रिंग सिस्टम कौन सा हो गया, फिनोथायाजीन। ओके, इस पूरे रिंग सिस्टम को हम बोल रहे हैं फिनोथायाजीन। ध्यान देना, ये हमारा क्लोर क्रोमाजीन है जिसमें फिनोथायाजीन रिंग सिस्टम है। इसकी नंबरिंग करूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, ये नंबरिंग सिस्टम कर दिए। यदि मैं इसका एपीसी नाम लिखता हूं, देखना, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान देना, ये रिंग सिस्टम जैसा मैंने क्या बताया था, फिनोथायाजीन, फिनोथायाजीन मैंने लिख दिया। फिनोथायाजीन पे अब मेरे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान देना, इस ये तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन है जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे मैंने क्लोरो लिख दिया। ठीक है,
अब कौन सी टेंथ पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन है? टेंथ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना, इसके नंबरिंग करूंगा 1, 2 और 3। ठीक है, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। सेचुरेटेड है तो मैं क्या बोलूंगा? प्रोपाइल। ध्यान देना, प्रोपाइल के आगे क्या जुड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन पे तीनों कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? एमिनो ग्रुप। इस एमिनो ग्रुप के आगे क्या लिखा हुआ है? एक मिथाइल दूसरा मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान देना इस पूरे को मैं टेंथ पोजीशन पे ले रहा हूं। मैंने पूरे को टेंथ पोजीशन पे लिया और इसको ले लिया कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। ओके, किससे जुड़ा हुआ है ये? प्रोपाइल। प्रोपाइल किससे जुड़ा हुआ है? फिनोथायजिन से। तो फिनोथायजिन से कौन जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल। मैंने प्रोपाइल लिखा। प्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल टेंथ पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ओके, अब प्रोपाइल के आगे क्या जुड़ा हुआ है ये हम आगे लिख रहे हैं। प्रोपाइल की थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल की थर्ड पोजीशन पे ये चीज जुड़ी है, इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एमीन। क्लियर, इस तरह से इसका नाम होता है 2-chloro-10-3-dimethylamino प्रोपाइल फिनोथायजिन। क्लियर, आई थिंक सही समझ में आया होगा आपको, और ड्रग का स्ट्रक्चर भी याद होगा। अब यदि मैं ड्रग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान देना ड्रग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें क्लो से याद आया, क्लो से क्लोरीन, जिसको अपन सीएल लिखते हैं। ठीक है, प्रोमाजीन, प्रोमाजीन से ध्यान देखना प्रो, प्रो से प्रोपाइल। ठीक है, और एजीन, माजीन, 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 एजीन, फिनोथायजीन से याद रखना एजा, एजा से याद रखना नाइट्रोजन एज वेल एज आपको दूसरा इसी के साथ और याद रखना पड़ेगा सल्फर, जिसको हम एजीन फिनोथायजीन, एजीन फिनोथायजीन, तो ये इसको एजीन से आपको क्या रखना? फिनोथायजीन। इस तरह से आपको क्या ड्रग का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, कैसे? क्लोर, क्लोरीन भी है, प्रो, उसपे प्रोपाइल ग्रुप भी है, एमाजीन से याद रखना फिनोथायजीन। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, नाउ कम टू द सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ क्लोर परमाजीन, सिंथेसिस ऑफ क्लोर परमाजीन। यहां देखेंगे इसका नाम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ध्यान देना इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसएच ग्रुप को हम बोलते हैं थायोल। ओके, तो वन पोजीशन पे थायोल है, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 2-bromo-benzene-thiol। ओके, नाउ सिमिलरली इसका नॉर्मल क्लेचर की बात करें तो यहाँ पे हम नाइट्रो ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव हो गया कौन सा? 2-5-chloro, तो क्या हो गया? 2-5-dichloro नाइट्रोबेंजीन। ओके, ये इस दोनों स्टार्टिंग मेटीरियल हो गए। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, यहां से एच और यहां से सीएल दोनों बाहर निकल जाएंगे एच एचसीएल फॉर्म में, और दोनों की दोनों रिंग अटैच हो जाएगी। ओके, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, बहुत सिंपल सी रिएक्शन। नेक्स्ट कंडीशन में जैसे हमारे पास ये दोनों रिंग सिस्टम जुड़ी हुई आ गई, तो नाइट्रो ग्रुप को देखना, नाइट्रो ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है एमिनो ग्रुप में, तो सिंपली हम क्या करेंगे? मिक्सर ऑफ स्टेनस और कंसंट्रेट एचसीएल का मिक्सर लेंगे और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को हम रिड्यूस कर देंगे एमिनो ग्रुप में। तो इस तरह से हमारी दूसरी रिएक्शन होगी कौन सी? रिडक्शन। ओके, और नाइट्रो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? NH2 ग्रुप में। क्लियर, जैसे ही NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होती है हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा? ब्रोमीन यहां से और H1 यहां से दोनों HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे,
और रिंग क्लोज हो जाएगी, रिंग क्लोज हो जाएगी। ध्यान देना, एक नाइट्रोजन के पास में से एक हाइड्रोजन तो चला गया, इसके साथ में एक ही बचा तो नाइट्रोजन इसके पास में अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से एनएच फॉर्म में जुड़ गया। ठीक है, इस तरह से हमारी थर्ड रिएक्शन कौन सी हो गई, साइक्लाइजेशन। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट, हमारा कौन सा फिनोथायाजीन रिंग बन गया विद क्लोरो सब्स्टिट्यूशन, विद क्लोरो सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, 10th पोजीशन पे हमारे पास एक साइड चेन थी, तो हम वही साइड चेन लेके आ रहे हैं, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लोरीन डेरिवेटिव है, यहां से एच निकलेगा और सिंपली एल्काइलेशन हो जाएगा, किस पे, नाइट्रोजन पे। तो ये हमारी फोर्थ रिएक्शन हो गई, कौन सी, एन एल्काइलेशन। ठीक है, ये हमारी फोर्थ रिएक्शन। क्लियर, हम समरी के तौर पे वापस आते हैं, कैसे, टू ब्रोमो बेंजीन थायोल और 2,5 डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन, दोनों की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों रिंग सिस्टम अटैच हो जाती है, थायो ईथर लिंकेज बनता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। जैसे ये बनता है, हम नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं बाई मीन ऑफ SnHCl, तो क्या होगा, एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। एमिनो ग्रुप जैसे ही बनता है, हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से यहाँ से HBr फॉर्म हो जाता है, और उससे क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, तीसरी रिंग बन जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरह से हमारा फिनोथायाजीन डेरिवेटिव बन गया। फिनोथायाजीन डेरिवेटिव से हमने साइड चेन की रिएक्शन कराई, जो कौन सा होगा, प्रोपाइल साइड चेन वाला। तो प्रोपाइल साइड चेन से जैसे हमने रिएक्शन कराया, हमारा क्या ड्रग बन गया, क्लोरप्रोमाजीन। ओके, इस तरह से हमारा सिंथेटिक है, तो रूट हुआ इसका। ओके डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। क्लियर, नाउ ये अब हम पूरा क्लोरप्रोमाजीन का हम यदि समरी तौर पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है वो चीज देखते हैं। हमने एक्चुअली पढ़ा क्या क्या है, हमने इसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा सबसे पहले, मैकेनिज्म एक्शन के बाद में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे हमने उसके यूजेज पढ़े। यूजेज पढ़ने के बाद में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर देखने के बाद में उसका IUPAC नाम लिखा, जिसको इलोबरेटेड फॉर्म में लिखा। IUPAC नाम लिखने के बाद में हमने ये वाला पूरा सिंथेसिस पढ़ा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या क्वेश्चन होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में होगा राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लोरप्रोमाजीन। तो आपको पूरा का पूरा जो मैंने बताया है वही आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मेरा दावा है इसमें कि आपको अबोव 95% मार्क्स 100% मिलेंगे। ठीक है ना, और आपको इसको और सुविधा के लिए मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फ्यूचर में एज ए रेफरेंस के तौर पे काम ले सकते हो, और इसको यदि चला के देखोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, और यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे पहला इसका एक्शन आता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, डोपामिन रिसेप्टर वाला ब्लॉक वाला, दो टाइप के थे ध्यान हो तो। ठीक है, उसी बाद में एक इसका एंटी एमेटिक एक्शन होता है, जो नोजिया वोमिटिंग के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ इससे रिलेटेड। ठीक है, जनरली स्टूडेंट इसको नोजिया वोमिटिंग एज ए साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जबकि ये क्लोरप्रोमाजीन एंटी एमेटिक होता है, नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने के काम में दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट है इसका सिंथेसिस, जो मेन एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।